से 26 फरवरी के बीच में जो 6 प्रमुख स्नान होने हैं, जिनमें 3 शाही स्नान पड़ेंगे और 6 स्नान होने हैं पौष पूर्णिमा 13 जनवरी को, मकर संक्रांति या शाही स्नान भी पड़ेगा मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी को, मौनी अमावस्या शाही स्नान पड़ेगा 29 जनवरी को, बसंत पंचमी शाही स्नान पड़ेगा 3 फरवरी को, माघी पूर्णिमा 12 फरवरी को और महाशिवरात्रि 26 फरवरी को, 26 फरवरी को। और उसके उपरांत फिर से हम आप सभी का अभिनंदन करने के लिए यहाँ पर फिर आएंगे, जब भव्य और दिव्य कुंभ की परिकल्पना को तब सम्मान देने के लिए आएंगे और फिर उसकी अलग से घोषणा भी करेंगे। लेकिन इस बार कुंभ का क्षेत्र बढ़ाया गया है, जो पहले 1800 हेक्टेयर हुआ करता था वह बढ़ करके 2000 हेक्टेयर हुआ, फिर 2500 हेक्टेयर हुआ, अब 3200 हेक्टेयर गत कुंभ में हुआ था, इस कुंभ में हम चले गए 4000 हेक्टेयर के विस्तृत भूभाग में, 25 सेक्टर बनाए गए हैं। इसके अलावा 1850 हेक्टेयर की पार्किंग भी संगम तट से एक निश्चित स्थान पर प्रदान किया जा रहा है, 14 फ्लाईओवर और अंडरपास दिए जा रहे हैं, नए बनाए जा रहे हैं, 9 पक्के घाट बनाए जा रहे हैं, 7 रिवर फ्रंट रोड, 12 किलोमीटर का अस्थायी घाट, 550 शटल बसेज, 5-7000 रोडवेज बसेज, 7 बस स्टैंड, और इसके साथ ही यहां पर जितने भी नाले थे, सीवर थे, इन सब को टेप करते हुए बायो रेमेडिएशन के माध्यम से हम लोग गंगा में कोई भी गंदगी